पूरा शो फ्री में देखने के लिए डाउनलोड कीजिए एमएक्स प्लेयर ऐप या फिर लॉग ऑन करें www.mxplayer.in पर। बेहतरीन 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 डिफेक्टेड 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 काम चलाओ डिफेक्टेड डिफेक्टेड डिफेक्टेड। अबे किस भेंगे कारीगर से बनवाया है? भैंस की आंख। नमस्कार जी, मेरा नाम रीटा मोहिनी एंड आई एम चीफ मैच मेकर ऑफ रिश्ते फरिश्ते। ऑलमोस्ट 50 साल से हम रिश्ते जोड़ रहे हैं, पहले मेरी दादी, फिर मेरी माँ और अब मैं। इसीलिए तो गुरुजी रिकी के लिए आप ही के पास लाए हैं। बायोडाटा मेरे बेटे के लिए एक सुंदर सी लड़की। सैलरी? मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना। आपकी नहीं, आपके बेटे की। नाम तो पूछ लो। बिजनेसमैन है, अपने पापा की हेल्प करता है बिजनेस में। बेटा आपका अपना रूम है? विद अटैच बाथरूम, टब वाला। ओ, गुरुजी की बहुत कृपा है आपके ऊपर। जय गुरुजी। लेकिन घर में बाकी टोटल रूम्स कितने हैं? 4.5 BHK है हमारा। ओ, क्वालिफिकेशन? लड़का। IQ? इसकी शादी कराने आई। मेरा मतलब है IQ, छोड़िए। किसी प्लैनेट का नाम बताओ। एनिमल प्लैनेट। वेज और नॉन वेज? MWF में हम नॉन वेज हैं एंड TTS में वेज। और संडे? वेगन। बैंक बैलेंस? कितनी लड़की वालों की श्रद्धा होगी। देखिए, आपने जो मुझे टाइम ऑफ बर्थ भेजा था उसके हिसाब से कुछ मैचेस आए हैं, लेकिन टाइम क्योंकि ऑकवर्ड है इसलिए ज्यादा मैचेस नहीं आए। ऑकवर्ड मतलब? ऑकवर्ड अच्छे वाला ऑकवर्ड। एक्सेप्शन है यानी कि लाखों में एक वाला। तो ये देखिए, ये है पहली लड़की। हाय आयशा। हेलो। हाय आयशू। कैसे हो? हाय। लेट आए हो तुम लोग। सॉरी। हेलो। अच्छा, मेहंदी लगवाओगे ना? ऑफ कोर्स। तेरी बहन की शादी है। आयशा पुरू एक साल पहले ही बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हुई है अपनी फैमिली के साथ। फादर आर्मी में है इसलिए ट्रांसफर होता रहता है। आयशा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अरे वो होते हैं ना जो वो रेडियो पे आवाज देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो आरजी जैसे। वैसे लड़की बहुत ही अच्छी है, एक बार जो ठान ले वो करके रहती है। इंडिपेंडेंट है पर सिंपल भी है। आयशा। हाँ। तूने अपने वॉइस सैंपल्स भेजे थे ना बॉम्बे में एड एजेंसी को, वहां से कोई कॉल आई क्या? अभी तक तो नहीं। ए आयशू, तू बॉम्बे जा रही है क्या यार? हमने तो सोचा था अंजलि के बाद तेरा नंबर आएगा शादी का। हाँ तो क्या यहाँ एक से बढ़कर एक रिश्ते आए हैं मैडम जी। ये है अन्नू छाबड़ा, पंजाबी सिंपल फैमिली की लड़की। फादर इलेक्ट्रिकल बोर्ड में सीनियर इंजीनियर है और मदर बच्चों को घर में कभी कभी ट्यूशन पढ़ा देती हैं और छोटा भाई ईर्थ में है। हाय मामा। हाय अनुज। और अनु एक मल्टीनेशनल कंपनी में कोडर है। वाह दीदी,
चौहान, ये क्या हाल कर दिया इस लड़की ने अपने बालों का। अजीब लड़की है, ऐसा कोई करता है क्या? मुझे लगता है अनु का ना ब्रेकअप हो गया उसके बॉयफ्रेंड से। व्हाट? ब्रेकअप? तभी तो उसने ये हाल कर लिया। सुनो, अब हमें ही उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेना चाहिए। तुम क्या कह रही हो, उसका कोई बॉयफ्रेंड था? सभी का ये होता है इस उम्र में। Had a haircut. अभी पिक भेज। Now. सबर का फल सेक्सी होता है। मेरे एग्जीबिशन के लिए यू कमिंग नो? Of course. Can't wait. See you at 5. Bye. Love you. Love you too. इन याद है पिछली बार गुरुजी के आश्रम में वो रिश्ते फरिश्ते वाली रीता जी मिली थी? हाँ? मैंने उनको अन्नू का फोटो भेज दिया है। कौन सा फोटो? वो पुराने हेयर कट वाला ना? हाँ हाँ, वो लंबे वालों वाले। क्या हुआ? नहीं वो अनु बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम डिस्कस कर सकते हो हम लोगों से, इस तरह से खुद को। कौन सी प्रॉब्लम? बेटा वो बी ब्लॉक में श्री राम मनोहर आचार्य जी के प्रवचन रोज होते हैं, एक घंटा सुनो मन को इतनी शांति मिलती है। सच में बेटा बहुत मन शांत होता है, बहुत अच्छा बोलते हैं गुरुजी। अब तो विपासना वगैरह बहुत इन है बेटा। हाँ वो 56 नंबर वालों की बेटी साधना, वो भी तो डिप्रेशन में थी। एक सेकेंड, डिप्रेशन? आप दोनों को लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ? और इसलिए मैंने अपने बाल काटे हैं। मम्मा पापा, मैं कोई डिप्रेस नहीं हूँ, ओके? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई जस्ट वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। न्यू? ये न्यू है? मम्मा समर्स हैं और लंबे बालों के साथ बड़ी गर्मी लगती थी मुझे, दैट्स ऑल। But you know what? आप दोनों प्लीज मेरे कमरे से जाओ। ओके ऑल राइट बेटा, ऑल राइट, कूल डाउन। अच्छा बेटा एक बुक आती है द सीक्रेट, हर मुश्किल का हल है बेटा, हर डिप्रेशन। पापा प्लीज गो, और ये चाकू दे के जाओ, नस नहीं काटूंगी अपनी। अरे जरा बटर नाइफ दे दो। एप्पल काटना है। तुम्हें एक्सेल आता है? हाँ? नहीं, डबल एक्सेल आता है। क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेल शीट्स, कैन यू मेक वन? या ऑफ कोर्स, आई जस्ट शो यू। अदिति मनचंदा, तीसरी लड़की, 25 साल की है, पेरेंट्स का काफी बड़ा बिजनेस है और अदिति ने अभी अभी MBA खत्म किया है। बहुत सीधी सादी लड़की है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है, चुपचाप रहती है बेचारी। थोड़ी हेल्दी है पर वेल्दी भी बहुत है, जिम ज्वाइन कर रखा है, धीरे धीरे घटा लेगी। अच्छा और कोई ऑप्शंस हैं? ये है फैजा, हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द पेरेंट टीचर मीटिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू मीट विद देयर किड्स रिस्पेक्टिव टीचर्स अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लॉट रिटन ऑन योर टोकन नंबर। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट सेट ऑफ पेरेंट्स, प्लीज कैरी ऑन, थैंक यू। फैजा डोंट वरी, हिंदू है। मेरा माइक ऑफ करना। फैजा चोपड़ा। सर हमने एक्स्ट्रा डोनेशन देके अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाया, शाम को आपसे ट्यूशन भी पड़ता है, मतलब की फीस तो हम डबल दे रहे हैं, हम मार्क्स आधे आ रहे हैं, बताइए सर। आप टेंशन मत, कल ही से मैं आपके बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन में शिफ्ट कर देता हूँ, हो जाए। अरे बहुत हिंदी में बात करती है हमारी बेटी, प्लीज
improve her English. If you want her to talk in English, then you also have to learn English. This is my card. And join my evening English classes for parents. इसका नाम फैजा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बुआ ने एक मुस्लिम के साथ भाग कर शादी कर ली थी। लेकिन फिर जब चोपड़ा साहब के घर ये पैदा हुई तो बुआ मिलने आई, गिले शिकवे माफ हुए और तब बुआ जी ने प्यार से इसका नाम फैजा रखा। स्कूल में छोटे बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, बहुत ही प्यारी लड़की है, बिल्कुल संस्कारी। वो सर पप्पू की औलाद, सबके सब साले धंधा कर रहे हैं, लड़ी एसोस। सबको चूतिया सिंड्रोम हो गया, सारा शर्म नाम की चीज ही नहीं है, साले पियोन से लेके प्रिंसिपल तक, किसी की गांडोगरी खत्म ही नहीं हो रही है लाइफ में। पूरा सिस्टम खा गए हैं चूतिये, पूरा स्कूल को तो मजाक बना के रखा है लंड फकीरों ने। आज ही सारी गालियों की पर्यायवाची बोल देगी ये लगता है ना? साला बच्चों को खच्चर बना रखा है, बस्ते टंगवा के छोड़ दिया है रेस में। मुझे समझ में नहीं आता है लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं, शादी क्यों करते हैं, लिविंग में रहो ना, सेक्स करो। आज करो, इस नंबर के चूतिये भरे पड़े हैं। तो निकलवाएगी, स्कूल बंद करवाएगी, मुझे लगता है मैनेजमेंट कोटा से आई है, अब तो प्रिंसिपल ही निपटेगा इससे। देखो बेटा, एक स्कूल को चलाने के लिए टीचर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, लॉयर चाहिए। हाँ, और बेटा आजकल के जमाने में लेबर नाम की कोई चीज नहीं है मार्केट में, एक हाथ दे एक हाथ दे। और आपको तो बेटा मालूम ही है, आप तो खुद एक बार्टर डील हो अपने लॉयर बाबा के साथ। तो बेटा बुरा मत मानना, अगर आप थोड़ा सा अपनी जबान को लगाम दे दें तो आई गेस एवरीबॉडी विल बी वेरी हैप्पी। नहीं तो ऐसा ना हो कि पहली बार पेरेंट टीचर मीटिंग में किसी टीचर के पेरेंट को बुलाना पड़े। है बाकी सब ठीक ठाक? हाँ, समोसा ले लो, आ जाओ। नहीं सर, थैंक यू। और पांचवी लड़की तितली जैन, कंजर्वेटिव फैमिली और टैलेंटेड लड़की। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है, तितली। हाँ, बस एक छोटी सी बात है, तितली डिवोर्सी है। डिवोर्सी? दरअसल क्या है कि तितली की शादी 5 साल पहले हुई थी, जब वो 23 साल की थी। 6 महीने बाद उसका पति किसी और लड़की के साथ लिफ्ट में पकड़ा गया। बेवकूफ को ये नहीं पता था कि लिफ्ट में कैमरा लगा होता है। इंस्टेंट डिवोर्स। तो हनीमून में कहाँ गए थे? हनीमून पे तो हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे। और आप? अंडमान आइलैंड्स, ऑफिस से एलडीए भी मिल गया था। अच्छा, आपका एक बेटा भी है रे? हाँ, 2-4 साल का है, पर वो अपनी मम्मी के साथ है। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? आई मीन डिजाइनिंग के अलावा, वो तो प्रोफेशन हो गया ना वैसे भी आपका। जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग ही पसंद है, उसके अलावा रीडिंग, वॉचिंग मूवीज एंड आजकल अरेंज मैरिज मीटिंग्स अटेंड कर। बहुत फनी हो आप। और कुकिंग, खाना बनाने का शौक नहीं है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बना लेती हूँ। ऑफिस में अपने घर का डब्बा खोल के लजीज खाना खाने का लुत्फ ही अलग है ना? वैसे सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? राजमा चावल। वाओ, मुझे राजमा चावल बेहद पसंद है। और आपको? सभी को पसंद होते हैं, आई गेस। अब देखिए, ऐसे ही किसी से शादी करवाएंगे तो ऐसा ही होगा, हम यहाँ रिश्ते ही नहीं करवाते, फरिश्ते दिखाते हैं। वो तो ठीक है रीटा जी, पर डिवोर्सी थोड़ा ज्यादा है। अरे मिसेस मल्होत्रा, आप पॉजिटिव साइड देखिए ना, आप जो कहेंगी वो करेगी, नो डिमांड्स। और आपका तो लड़का सिंगल है, आप तो कुछ भी मांग सकती हैं, कुछ भी। तो क्या प्लान है आज आपका? इसके बाद शॉप चली जाऊं। शॉप कहाँ है आपकी? दिल्ली हाट आई नहीं। अच्छा, वैसे सब कहते हैं कि मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, आपको सुनाऊं क्या? क्या? मैं
दिल लगा के रखना टोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेर सजना आहा। देखिए मिलने में कोई हर्ज नहीं है, हमें कौन सा आज डिसाइड करना है और ट्रायल के पैसे नहीं लगते। लगता है आ गई। अनु बेटा। जी मामा। बेटा हम सोच रहे थे कि तुम एक लड़के से मिल लो, तो आपका मतलब अरेंज मैरिज? अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए तो तुम मना कर सकती हो अनु बेटा। ठीक है, अगर उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय। मैरी बेटा, इनकी अगले हफ्ते के अपॉइंटमेंट्स फिक्स करो। मंडे अनु, ट्यूसडे आदिति, वेडनेसडे फैजा, थर्सडे आयशा एंड फ्राइडे तितली। क्या मैं इनकी फोटोज ले सकती हूँ? जी बिल्कुल बेटा। थैंक यू। दुर्गेश और सुप्रिया का चक्कर चल रहा है एकदम से। अनु या? सब ठीक है ना? हाँ क्यों? दादाजी वो भी ठीक है? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तू ऑफिस नहीं गई अभी तक? हाँ चलो आई सी यू या बाय। लो जी एक और डिप्रेशन केस। ये लव शव का चक्कर भी ना बेकार होता है बहन जी। मैं तो कहती हूँ अरेंज शादी बेस्ट है बेस्ट। पर अब तो गंजी भी हो गई है, फोटो भी नहीं भेज पाएगी बेचारी। मेरी नंद का लड़का है मोनू, वो भी गंजा है, उससे बात चलाऊं? अरे नहीं बहन जी, लड़के गंजे चल जाते हैं, लड़कियां थोड़ी ना होती हैं। हाँ जी चलो, चलो। हाय। अनु, व्हाट? साइन अप करा ले मुझे, मॉडलिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं। या क्लियरली सो कैसे लगा? एक फोटो भेज देती। लेट मी सी। या इट्स डिफरेंट। या बस कम ऑन या उटू, थोड़ी तारीफ तो कर दे यार, बड़े टेंशन से कटवाए हैं। हाँ बट सबको सूट नहीं करते ना। आई मीन पीपल हैव डिफरेंट फेस टाइप्स बट वेल आई मीन इफ यू आर हैप्पी विद दिस देन आई डोंट माइंड इट, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। हे लिसन, आई विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट। आइटम चलती है क्या 9 से 12? अबे आप मोचड़ बापू, ये साइलेंसर तेरे गान में डाल दूंगी साला चूतिया। कल से अरेंज मैरिज की ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग? जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरु
क्या लगता है मैडम जी, कौन सी लड़की के साथ इसके फेरे लगेंगे? जय गुरुजी, जय गुरुजी। पूरा शो फ्री में देखने के लिए डाउनलोड कीजिए MX Player ऐप या फिर लॉग ऑन करें www.mxplayer.in पर।